काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ्लैट आपने दिखाया नहीं अब तक, तो मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी इसलिए मैं फ्लैट दिखा नहीं पाया, बट अब साफ़ सफाई करके ये फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एंट्री गेट है, नीचे हॉल है, वीडियो के थ्रू आपको ऊपर लेके चलता हूँ। सेकंड फ्लोर पे है, तो ये है हमारा फ्लैट। तो ये एंट्री गेट से यू दिखता है, ये फ्लैट 2 BHK है। सो ये क्लोज किया, देन ये एक रूम है जो कि थोड़ा छोटा रूम है और इसको हमने यूज में नहीं ले रखा, बस जूते वगैरह खोलने के लिए छोटा कूलर पड़ा है क्या, और इसके अलावा ये लेट बात है। और ये जो है कबड़ है, इसमें डेली यूज़ के जो है जिसे तैयार होते तो वो सामान सारे रखे हुए हैं इसमें। देन ये किचन है जो कि हम यूज में ये भी नहीं ले रहे क्योंकि मैं जो खाना खाता हूँ बाहर खाता हूँ, और मैं हम बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि हम 2 लोग हैं, एक सर जो है साथ हैं और तो दोनों साथ में रहते हैं। और ये जो रूम है इसको हमने बेडरूम बनाया हुआ है और इसमें 2 बेड लगाए हुए हैं इनके, ये कूलर पड़ा है। और जब जैसा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है लगातार 4 दिन हो गए और आज भी बारिश का मौसम है, तो इस कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी, हालांकि अभी पिछले महीने में गर्मी बहुत थी, बट अब जो है माहौल काफ़ी सही है। और ये जो कबड़ बनी हुई है इसमें मतलब काफ़ी अच्छा है फ्लैट वैसे देखा जाए तो। सो और ये आउटर में बालकनी है पीछे की तरफ, तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ्लैट आपने दिखाया नहीं अब तक, तो मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी इसलिए मैं फ्लैट दिखा नहीं पाया, बट अब साफ़ सफाई करके ये फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो गाइस, ये फ्लैट था, अब आप बताएंगे कमेंट में कि आपको फ्लैट कैसा लगा। और कुछ काम जो है थोड़ा बाकी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल नए फ्लैट है और जो है काम चल रहा था इसकी वजह से थोड़ी गंदगी थी, तो हमने साफ़ की, देन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी भी कुछ काम बाकी है, जैसे यहाँ कर्टन लगेंगे तो अभी कर्टन लगे नहीं है तो वो बाकी है। इसके अलावा वैसे आपको फ्लैट कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो IMARJUN05 नाम से मेरी ID है, और इसके अलावा टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें, हम वहाँ लाइव आते हैं संडे को, सो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आ चुका है RRB कलर गन PO, इसके अलावा IPS PO कलर भी फिक्स रहता है, SBI का कभी पता नहीं होता, और इस बार भी काफ़ी लेट हो चुका है बट आएगा ज़रूर, तो तैयारी करते रहें ठीक है। इसके अलावा मैं आपको छत पे भी ले चलता हूँ, तो छत का नज़ारा भी देख लीजिएगा कैसा क्या दिखता है।
छत पे जाने का देखना, छत पे नज़ारा काफ़ी सही रहता है। और आज माहौल काफ़ी सही है, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ पहाड़ है हमारे यहाँ। तो शाम को घूमने का काफ़ी सही माहौल रहता है, शाम शाम को हम यहाँ घूमने आ जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, फुहारी जिसे बोलते हैं, तो वो हो रही है। बाकी चार दिन से बारिश जो हो रही है उसकी वजह से थोड़ी ठंड है और हरियाली दिखने लगी है। तो इसके अलावा ये छत है जहाँ हम घूमते रहते हैं शाम को, और शाम को 7 बजे के लगभग आने के बाद यहाँ घूमते हैं, देन फिर खाना खाने जाते हैं। सो कैसा लगा फ्लैट, कैसा लगा और सब कुछ, जो आसपास का माहौल है या जो भी है, लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जाती है अकेले रहने में। बट मेरे से क्या होता है कि एक चीज़ मैनेज नहीं होती है चीज़ें, इतने सारे मैं फ्रिज भी ले लूँ, सब कुछ लगवा लूँ, लेकिन यार मेरे से मैनेज नहीं होता था, इसलिए मैंने लगवाया नहीं। बाकी 1000 रुपये ज़्यादा देने पे ये सब कुछ दे रहे थे। तो आप लोग बताना कैसा क्या लगा और कितना आपको अच्छा लग रहा है देख के, कितना मोटिवेशन मिल रहा है। सो ओके गाइज, थैंक यू।